हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है कैन लव हैपन ट्वाइस, और ये बुक लिखी है रविंद्र सिंह ने। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, आप चाहो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 1 की। अब क्या होता है ना, जो शाम का समय होता है वो ढल चुका होता है, अंधेरा भी हो चुका होता है, और जो अमरदीप होता है ना वो एग्जिट करता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। और जो ये टाइम होता है ना, ये ठंडों का टाइम होता है, और जो अमरदीप होता है ना वो पहली बार चंडीगढ़ में आया होता है। और जो शाम होती है ना वो आज बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आज होता है वैलेंटाइन का दिन, और ना हर तरफ बस प्यार ही प्यार होता है, लाल कलर हवाओं में होता है, और जो टेम्परेचर होता है ना वो लगभग 4 डिग्री का होता है। और ठंड तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जिससे जो सारे पैसेंजर्स होते हैं ना वो सब लोग जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो अपनी अपनी जैकेट पहनने लगते हैं। और पहले कुछ मोमेंट ना, जब अमरदीप वहाँ से बाहर आता है तो उसकी तो बॉडी गर्म होती है, लेकिन जब वो देखता है ना कि बाहर इतना ठंडा हो रहा है, तो वो भी ना अपनी जैकेट पहनने लगता है। और हर तरफ ना हल्का हल्का कोहरा होता है, ठंड भी काफ़ी होती है। अब एयरपोर्ट के गेट के बाहर ना काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं, हर तरफ टैक्सी के हॉर्न सुनाई देते थे, लोग जो रिश्तेदार थे ना वो अपने रिश्तेदारों को लेने आए थे कुछ लोग, यही सब चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा हाहुल्ला था। और जो टैक्सी वाले थे ना वो फटाफट ना सबको कह रहे थे कि आ जाओ हमारी गाड़ी में, आ जाओ हमारी गाड़ी में आ जाओ। अब जो अमरदीप होता है ना वो इन सब सिचुएशन को एनालाइज ही कर रहा होता है। इतने में क्या होता है ना, एक जो टैक्सी वाला ड्राइवर होता है ना वो ना अमरदीप का सामान उठा के पूछने लगता है, कितने जाना है पाजी। अब जो अमरदीप होता है ना वो फटाफट कहता है अपने बैग को हाथ में लेके ना कि मुझे कहीं नहीं जाना, और वो ना टैक्सी ड्राइवर होता है वो उसका सामान छोड़ देता है, और वो ना वहाँ से बाहर निकलता है। उसके ना एक हाथ में इकोनॉमिक टाइम्स होता है और पानी की बोतल होती है, और दूसरे हाथ में ना उसका पहियों वाला बैग होता है, और वो ना अपने बैग को चलाते चलाते ना पार्किंग लॉट में आ जाता है, जहाँ पे थोड़ा कम क्राउड होता है। और जो पार्किंग लॉट होती है ना वो बिल्कुल शांत जगह होती है, और वो ना लाइन से पार्किंग लॉट में ना कारें खड़ी होती हैं, तो क्या करता है ना एक कार के बोनट पे अपना न्यूज़पेपर रखता है, और वो उड़े ना उसके ऊपर वो पानी की बोतल रख देता है, और खुद ना कार से टिक के खड़ा हो जाता है। अब जो अमरदीप होता है ना वो आसपास देख रहा होता है कि कोई है कोई है कोई नहीं है, वो अब ना अपने हाथों को सहलाता है, मुंह से फूंक मारता है ताकि ना थोड़े उसके हाथ गर्म हो सके। और कुछ सेकंड बाद ना वो अपना फ़ोन अपनी जेब में से निकालता है और ना कॉल करना शुरू करता है, और फ़ोन पे कहता है ना कि हाँ मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अब थोड़ी देर बीतती है ना, एक ब्लैक कलर की सेंट्रो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, और ना उसके अंदर से आवाज़ आती है राम जी, और कार के ना गेट खुल जाते हैं। और जो राम जी होता है ना ये अमरदीप का निकनेम होता है, जो कि उसको कॉलेज के जब दिन थे तब मिला था, और ये नाम आज भी उसके साथ चल रहा था। और जो ये दो दोस्त होते हैं ना कार में, वो होते हैं हैप्पी और मनप्रीत। अब जो हैप्पी और अमरदीप होते हैं ना वो गाड़ी से निकलते हैं और ना अमरदीप को गले से लगाते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था, कई सालों बाद ये लोग आज मिल रहे थे रियूनियन पे, लगभग 5 साल बाद, और ना वो एक दूसरे को रोक ही नहीं पाते हग करने से और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने से। अब होता क्या है ना, जो दूसरे लोग होंगे ना उनको ये बहुत अजीब सा लगेगा कि ये लड़के लोग हग कर रहे हैं, क्योंकि आज था वैलेंटाइन का दिन, और तो जो इकोनॉमिक्स टाइम अखबार था ना उसकी जो हेडलाइन थी, और जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने सेक्शन 377 को हटा दिया, और जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अब लीगल है इंडिया में। अब कुछ सेकंड के बाद ना जो हैप्पी होता है वो फटाफट ना अमरदीप का सामान उठा के ना गाड़ी की डिग्गी में रख देता है, और जो अमरदीप होता है ना वो पीछे वाली सीट लेता है, जो हैप्पी होता है ना और मनप्रीत वो आगे बैठ के ना गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो मनप्रीत होता है ना वो गाड़ी का ना जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसकी आवाज़ कम कर देता है, ताकि ये लोग कार चलाते रहे ना और एक दूसरे से बातें भी कर सके। अब ये लोग ना एक दूसरे से बातें करते करते ना एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं शहर की तरफ, और लगभग 15 किलोमीटर जाने के बाद ना जो हैप्पी होता है वो एक इंटरनेट कैफ़े के बाहर ना अपनी गाड़ी रोक लेता है, और जो मनप्रीत होता है ना वो कहता है क्या हुआ भाई। अब जो हैप्पी होता है ना वो कहता है कुछ नहीं यार, बस मुझे एक ईमेल करके आना है। अब वो फटाफट ना अपनी सीट बेल्ट खोलता है और कहता है ना कि मैं बस 10 मिनट में आ गया, तुम बस अभी रुको। अब जो अमरदीप होता है ना वो सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है कि भाई एकदम से अचानक से हुआ क्या, क्योंकि हैप्पी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब ना जब हैप्पी चला जाता है ना, जो मनप्रीत और अमरदीप होते हैं ना वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अब थोड़ी देर बीतती है, जो हैप्पी होता है ना वो तुरंत ही वापस आ जाता है, इनफैक्ट उसने 10 मिनट भी नहीं लिए होते जब वो कह के गया होता है। अब जो अमरदीप होता है ना वो कहता है भाई तू तो बड़ी जल्दी आ गया। अब जो हैप्पी होता है ना वो कहता है मैं तुझसे कहा था ना मैं जल्दी आ जाऊँगा, और ना ये ज़्यादा डिटेल बताता नहीं है कि भाई क्या करने गया था क्या करने गया था। अब ऐसे ही ना कुछ समय बीत जाता है, बिल्कुल गाड़ी में ना सारा जो माहौल होता है वो बिल्कुल शांत होता है, और जो हैप्पी होता है ना वो गाड़ी चला रहा होता है। तभी क्या होता है ना, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अब जो हैप्पी होता है ना वो कहता है कि मैं ना उसको मिस कर रहा हूँ यार। अब ना कोई कुछ नहीं बोलता कुछ सेकंड के लिए। इतने में जो अमरदीप होता है ना वो क्या करता है, अपना हाथ हैप्पी के कंधे पे रखता है, वो कहता है यार हम सब उसको बहुत मिस कर रहे हैं, और जो ये रियूनियन है ना ये सिर्फ रविन के लिए है। और जो मनप्रीत है ना वो कहता है ये सही कह रहा है यार, हम यहाँ उसके अच्छे के लिए आए हैं, हम यहाँ रविन के लिए आए हैं, और हमें तो ना इस मोमेंट के लिए खुश होना चाहिए रैदर देन हम कि सैड हों।
अब जब ये लोग सुनते हैं ना तो उन सब तीनों के चेहरों पे ना एक स्माइल सी दौड़ उठती है और उनको पता होता है ना कि वो यहाँ अपने दोस्त के लिए आए हैं। और जो हैप्पी होता है ना वो गाड़ी का एक्सेलेटर दबाता है, उनकी गाड़ी जा रही होती है। और जो मनप्रीत होता है ना वो म्यूजिक सिस्टम की ना आवाज़ बढ़ा देता है। अब कुछ टाइम बाद ना जो हैप्पी होता है ना वो कस के चिल्ला के पूछता है सबसे कि क्या किसी ने कभी कोई रेडियो चैनल विजिट करा है। और सबके जवाब ना फिर ना में आते हैं। और फिर ना हैप्पी दोबारा से पूछता है क्या किसी को पता है कि जो रेडियो स्टेशन होता है वो अंदर से कैसा दिखता है। अब सब लोग होते हैं ना वो हंसते हुए कहते हैं नहीं नहीं किसी को नहीं पता। अब जो राम जी होते हैं ना वो कहते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, जब तक हम क्लियर है ना हमें क्या करना है, तो सब कुछ सही है और ये हम रविन के लिए कर रहे हैं हु। और जो हैप्पी होता है ना वो जो कार का डैशबोर्ड होता है ना वहाँ कहता है मनप्रीत को कि उसको खोल, उसमें ना एक एनवलप रखा है। अब जो मनप्रीत होता है ना वो देखता है कि भाई इसमें एनवलप का है, मनप्रीत एनवलप बाहर निकालता है और ना वाइट कलर के लोगों से पैक होता है, उस पर ना एक बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है कि सुपरहिट 93.5 रेड FM बजाते रहो। और ये इन्विटेशन होता है मनप्रीत को। अब जो मनप्रीत होता है ना उसकी आँखें एकदम चौंधिया सी जाती हैं जब वो उसको खोलता है ना। अब जो मनप्रीत होता है ना वो क्या करता है, जो रूफ लाइट होती है ना कार में वो जलाता है और वो ना कस के जोर के पढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि जो भी उसमें लेटर में लिखा हो ताकि वो सब सुन सके। और उसमें ना लिखा होता है कि जो ये वैलेंटाइन की शाम है ना सुपरहिट 93 रेड FM बहुत ज़्यादा खुश है ये बताने के लिए जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे, बेस्ट सेलिंग जो हार्ट टचिंग ट्रू रोमांटिक टेल थी डिकेड की कि आई टू हैड अ लव स्टोरी। और 93.5 रेडियो FM इस प्यार भरी कहानी को ना आज मॉडर्न डे के ताजमहल के समान समझता है। और हम उसी की याद में ना हम ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस वैलेंटाइन डे पे हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो रविन है उन्होंने ये कहानी लिखी है, वो हमारे साथ आके ये सब शेयर करेंगे अलॉन्ग विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स हैप्पी, अमरदीप, मनप्रीत और जो कि रियल लाइफ करेक्टर हैं और उन्होंने बुक में भी हैं ये लोग। सो ट्यून इन वैलेंटाइन डे स्पेशल शो रात बाकी बात बाकी ओनली ऑन सुपरहिट 93.5 रेड FM द नंबर 1 FM स्टेशन एट 9 PM रविन और उनके दोस्तों से बातें करने के लिए, उनकी वो स्टोरी जो उन्होंने कही नहीं है और कैसे ये आई टू हैड अ लव स्टोरी की कहानी लिखी गई। अगर आप और जानना चाहते हैं कि रविन और उसके दोस्तों की ज़िंदगी में क्या हुआ उसकी किताब के लॉन्च के बाद, तो यही सब चीज़ें ना उसके लेटर में लिखी हुई होती है। अब उसी सेम मोमेंट पे ना जब हैप्पी, मनप्रीत, अमदी भी एक साथ होते हैं ना, कोई एक बंदा ऐसा भी होता है ना जो कि शिमला में ठंड की रात को जो सीढ़ियाँ होती है ना अपने रूम के सामने वहाँ बैठा हुआ होता है और ना कई सारे लाइन से कमरे होते हैं, उन कमरों के आगे ना एक बहुत बड़ा सा लॉन होता है और उसने ना एक बड़ी हैवी सी ब्लैंकेट जैकेट पहन रखी होती है ताकि ना उसको ठंड ना लगे। उसके लंबे लंबे बाल हैं, उसने कई महीनों से ना अपनी दाढ़ी नहीं बनाई है और उसकी ना शक्ल देख के साफ पता कोई भी कह देगा ना कि ये इसके कुछ ना सही नहीं चल रहा इसके साथ। और ना वो बाहर बैठा होता है, उसके हाथ में ना कोई चीज़ होती है और उसकी आँखें बस उसी पर टिकी हुई होती हैं, उसके आसपास कोई भी नहीं होता। और जो पूरा एरिया होता है ना सब जगह बिल्कुल एकदम ऐसा साइलेंस होता है कि आप पूछिए मत, सिर्फ और सिर्फ रात की आवाज़ आ रही होती है और कुछ भी नहीं। और जस्ट उसके सर के ऊपर ना एक हल्का छोटा सा बल्ब जल रहा होता है और उसके पास ना एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर वार्ड नंबर 4। तो ये था इसका चैप्टर 1 एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।